अर्जुन आए थे तो उन्होंने कहा था कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री चार धाम यहाँ पर हैं, पांचवा धाम सैन्य धाम पर होना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 75% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर पांचवा सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी 1.5 महीने के अंदर 7 जवान हमारे शहीद हुए हैं, कल ही हमारा एक जवान शहीद हुआ है, मैं उसके सम्मान में कल वहाँ पर गया था। ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन शहीद का सम्मान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना, उसके परिवार की चिंता करना, ये काम हमारी सरकार कर रही है। जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन लागू की, 1972 से हमारे पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पर हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। शहीदों के सम्मान में देहरादून के अंदर एक विशाल सैन्य धाम हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने संकल्प लिया है, पूरे प्रदेश के अंदर मैं 2.5 महीने से पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है, उसके घरों की पवित्र मिट्टी को एक कलश में लेकर हम देहरादून जा रहे हैं और 15 तारीख को उस पवित्र मिट्टी से उसका भूमि पूजन होगा। और जहाँ भी जा रहे हैं इस प्रकार का भाव उन परिवारों में दिखाई दे रहा है। कई जगह माताएं बहनें चिपट कर मुझसे रोने लग गई कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बेटी की यादों को जिंदा रखने के लिए कोई कुछ ऐसा करेगा। एक अपार उत्साह उन पूर्व सैनिक शहीद परिवारों में दिखाई दे रहा है। और जब लोग उत्तराखंड में आएंगे, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री देखते हैं, लगभग 63 करोड़ की लागत से हम इसको बना रहे हैं, तो सैन्य धाम को देखने में जरूर जाएंगे कि जिस डिजाइन से हम उसे बना रहे हैं, क्योंकि भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह की है, बाबा कल्याण मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी उपस्थित रहे, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। और यहाँ पर सभी एक्स सर्विस बैन जो है रुड़की के यहाँ पर रहे और जो शहीद परिवारों के सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे, सभी का सम्मान किया गया। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और उत्तराखंड में एक पांचवा धाम, जैसा कि मंत्री ने बताया, बनने जा रहा है सैन्य धाम, उसका पूरा हिंदुस्तान में कहता हूँ नमन करेगा, उसको देखेगा। बहुत अच्छी लागत से उसको बना रहे हैं और एक शहीदों के सम्मान के लिए पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है कि शहीदों के सम्मान के लिए एक सैन्य धाम बनाया जा रहा है। ट्यूबवेल से अपने राजनीति में और अपने नगर के कार्यों में उनका समय नहीं है शायद, इनको बता दिया गया है। हमारे संगठन के जो लोग हैं वे कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से जल्दी देश का समाधान निकाला जाएगा।